तो डेनिस खुलने में अभी टाइम है। और पाल जी नेल कटर लेके बैठे हैं, नेल्स काट रहे हैं। जी ब्लैक कॉफी दे देते हैं, बाकी आप खुद बनाओ, खुद जानो क्या करना है। I've been working here 6 years. 6 years. I'm actually not a server. I'm actually the general manager. I run the restaurant. निकल कहाँ चुका हूँ मैं? तुम्हारे पास ही बैठा हूँ, इकट्ठे जा रहे हैं। निकल चुका हूँ। पंजाबी ट्रकर कपल दी नवी वीडियोस ले सब्सक्राइब करो ते बेल आइकन दबाना ना भूलो। चा तो हम मेरी शिफ्ट हो गई है खत्म, पाल जी की शिफ्ट होनी है शुरू। हम बीवर में रुके थे, ये है यूटा में, और यहाँ पर हमें जगह नहीं मिली। तो ये बाहर आप देख सकते हो सारा भरा हुआ है। अभी सिर्फ 6 बजे हैं सुबह के, नहीं 6 नहीं बजे, यहाँ पर तो कुछ और टाइम हुआ है, 4 बजे हैं सुबह के, और पार्किंग नहीं मिली हमें अभी तक। तो हम वेट कर रहे हैं कोई इनमें से निकल के जाएगा तो हम वहां पे अपना ट्रक पार्क करेंगे, क्योंकि 4-4:30 बजे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं ट्रक। तो तब तक हम शावर लेंगे, तो पहले पाल जी जाएंगे, मैं यहाँ पे बैठ के देखूंगी, अगर कोई निकला तो वहां पे लगा दूंगी, और अगर नहीं निकला तो फिर जब पाल नहा के आएंगे फिर मैं जाऊंगी नहाने। राइट पाल जी? हाँ जी, चलें फिर। चलो आप चलो, आपका मैंने बैकपैक कर दिया कपड़े। मैं कहता हूँ पहले आप जाओ यार। क्यों? मैं वेट करता हूँ, बाद में आपने नहीं, अभी 4 बजे ना, अभी कोई निकलेगा नहीं निकलेगा कोई बात नहीं, क्योंकि ये शॉप भी नहीं ओपन होनी, शॉप के सामने लगाया है, फिर मैं बाद में फिर नहाती हूँ ना, आपने तो जल्दी नहा लेना है। ओके ठीक है। ओके तो पहले आप जाओ, मैं यहाँ वेट करती हूँ बैठ के, अगर कोई निकलेगा तो मैं लगा के फिर आ जाऊंगी, नहीं तो फिर आप जब आओगे फिर मैं जाऊंगी नहाने। ओके साउंड्स गुड। चलो okay. अपना बैग उठाओ, चलो बैग दिखाओ सबको अपना, मैंने आपको पैक करके दिया जो। अच्छा पता ही नहीं क्या लेके जा रहे हैं आपको। हाँ जी चलो। तो फाइनली मुझे पार्किंग मिल गई, हमारे आगे जो एक फ्लैट पट खड़ा था वो निकल गया, तो उसकी जगह मैंने पार्क कर दिया, और अभी मैं भी शावर लेने जा रही हूँ। और बारिश स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, पहले पीछे पड़ रही थी पर फिर हट गई, अभी थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, अभी देखते हैं क्या बनता है मौसम का। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, नीचे ये पड़ा था मैं डर गई, मुझे लगा पता नहीं क्या है, तो ऐसे भी होता है कभी कभी, फिर बारी बारी जाना पड़ता है नहाने को। तो अभी पाल ऑलरेडी शावर में है तो मैं जाती हूँ, ठंड हो गई है सुबह थोड़ी थोड़ी। तो डेनिस खुलने में अभी टाइम है, और पाल जी नेल कटर लेके बैठे हैं, नेल्स काट रहे हैं। वो सामने है डेनिस जहाँ पे हमने जाना है, 5 बजे खुलेगा ना पाल जी? हाँ जी। ओके चलो मैं तब तक बाल थोड़े सवार लूं अपने। तो बाहर बारिश हो रही थी तो इसीलिए फिर अंदर ही तैयार होना पड़ रहा है हमें, नहीं तो बाल तो फिर बाहर ही बाती है, बाती है। नहीं तो बाल तो बाहर ही सवारती है, सो दैट अंदर बाल ना आए ना, राइट? क्योंकि फिर उनको छोटे छोटे बाल निकालना मुश्किल होता है। पर अभी बारिश थोड़ी तेज हो गई जब हम नहा के निकले, जब मैं गई हिचकी लगी बाल मुझे। तुम्हें याद कर रहे हैं हमारे YouTube फैमिली मेंबर्स। मैं हाजिर। तो ऐसे कई बार दिल करता है ना कि वैसे तो हमने डेनिस जाना ही छोड़ दिया था, हम नहीं जाते थे कितने बार, हम तब के गए हुए जब हम इंडिया जाने से पहले, हाँ, तब के गए हुए हम, तो हम पहले जाते थे फिर हमने बाद में छोड़ दिया था, तो अभी आज बड़े ही महीनों के बाद जा रहे हैं। तो ऐसे कई बार अच्छा लगता है सुबह सुबह ऐसे मॉर्निंग स्टार्ट करनी है ना, तो कॉफी के साथ खाते हैं, देखते हैं क्या खाएंगे हम। मेरा भी दिल कर रहा है आज कॉफी पी जाएगा। तूने नहीं पीनी पूनी कॉफी, तूने बस पैसे लगवाने होते हैं, बाद में पीती भी नहीं है, बाद में बीच में छोड़ देती है। मेरा अभी आज दिल कर रहा है, देख लेते हैं। चलें फिर, बज गए 5 हो गए, 5 बज गए जी। वो उन्होंने ओपन वाला बोर्ड भी जगा दिया है। ओके हाँ चलो चले चलो। तो इन्होंने टेनिस बड़ी अच्छी जगह पे बनाया है, सामने इसके साथ ही
इधर ये है होटल मोटल डेजिन सामने है सुपर एट सुपर एट और ये फ्लाइंग जे पैसा ही पैसा मतलब हर तरफ से लोग आएंगे जो मोटल में रह रहे हैं वो भी आएंगे फ्लाइंग जे पे जो आ रहे हैं जो ड्राइवर्स हैं वो भी आएंगे और जो गांव में यहाँ रहते हैं वो तो चलो आएंगे ही आएंगे तो चांदी ही चांदी है इनकी तो या सुबह सुबह इनके पास ड्राइवर ही आते होंगे मुझे तो लगता है 5 बजे है ना वो तो है हेलो गुड मॉर्निंग तो ऐसे जे कॉफ़ी दे देते हैं ब्लैक और साथ में जे क्रीम और जे रही शुगर लेकिन मैं शुगर नहीं डालता जैसे आपको मालूम है तो मैं डालूँगा 0 कैलोरी स्वीटनर तो ऐसा होता है जे ब्लैक कॉफ़ी दे देते हैं बाकी आप खुद बनाओ खुद जानो क्या करना तो मैंने करवाया है ओवन बेक्ड लज़ानिया इनका नई डिश आई है उस पर लिखा था 11 AM to 11 PM बट मैंने इनको पूछा कि अभी बन सकता है क्योंकि सुबह अगर 5 बजे है तो वो कहती है यस वी कैन डू इट उनका शुक्र है थैंक यू और उसने कहा कि जब मैंने खाया था उसमें मैंने मशरूम्स डाली थी तो मैंने कहा ठीक है मशरूम्स डाल दो मुझे अच्छी लगती हैं तो देखते हैं कैसा है और पाल जी ने करवाया चिकन फ्राइड चिकन विद द वेजीज एंड अनियन रिंग्स मैं इसलिए नहीं खाता कि काफी काफी जैसे पहले भी मैंने कहा था तो कई लोग नीचे कमेंट लगाते थे कि शुगर है डायबिटीज है तो ऐसा नहीं है मेरी मम्मी को थी तो मुझे भी चांसेस हैं जैसे मैं मेरा वेट भी ज़्यादा है ना सो मुझे चांसेस है तो इसलिए मैं परहेज करता हूँ इस सब चीज़ों से थैंक यू सो मच लेडी बहुत नाइस लगी मुझे ऐसा होता है जब आप कहीं खाने जाते हो ना तो अगर फूड थोड़ा खराब निकल भी जाए पर अगर सर्वर आपका गुड हो ना तो आपका दिन बन जाता है जैसे अभी सुबह सुबह आए और ये दूसरी है जिसे हम मिले हैं अभी सुबह सुबह है ना और दोनों ही नाइस थी वो भी लेडी नाइस थी वहाँ शावर और जे नाइसेस्ट है जो तो हाँ मैं कह रहा था तो मैं इसलिए परहेज करता हूँ इसलिए मैं शुगर बंद की हुई है चावल नहीं मैं खाता आलू नहीं खाता ये सब कुछ मैंने बंद किया हुआ है लेकिन फिर भी खा हो जाता है फिर भी मोटा हूँ तो मैंने वेट कम किया था तो मैं अपनी जर्नी में ना वो पिक्स लगाऊंगा तो देखना आप कैसे मैं कितना कम था और कितना हैंडसम था मैं वैसे मीठा तो मैं भी नहीं खाती मुझे पसंद नहीं इतना मीठा और राइस मैं एक टाइम या मैक्सिमम 2 टाइम खा सकती हूँ नहीं तो मेरे दांत दर्द करने लग जाते हैं एंड पोटैटोस आर माय फेवरेट आलू मैं खाती हूँ आलू के पराठे इसलिए नहीं खाते कि पिंपल्स भी होती है हाँ पिंपल्स होते हैं बट वैसे भी मीठा मुझे नहीं पसंद अगर आपके किसी के भी ठीक नहीं हो रहे तो मीठा छोड़ कर देखो हाँ और डेयरी प्रोडक्ट्स उससे बहुत फर्क पड़ता है और मीठा तो वैसे भी मैं इतना खाती नहीं थी मुझे सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ने पड़े उसमें भी सिर्फ पनीर था क्योंकि मिल्क आई डोंट लाइक दैट मच पनीर भुर्जी मैं खाती थी तो वो मैंने छोड़ दी बहुत टाइम हो गया खाए हुए तो ये जेनी है हमारी सर्व है जो हमें सारा हमारा ऑर्डर लिया इसने हमें फूड सर्व करेगी थोड़े बहुत क्वेश्चन इससे पूछते हैं आई बीन वर्किंग हियर 6 years I'm actually not a server I'm actually the general manager I run the restaurant Wow! Oh, so yes. And I must say you are really kind. Oh, thank you. Yeah. Thank you. That's seriously. Good, that's good. Yeah. So how do you like it? I like it. So I have my CDL. I'm a truck driver as well. I don't like that.
Wow. I like this better. I run any heavy equipment, I could do anything. But this is my favorite job. Why so? Like, it's stable at one place, that's it's why? It's 2 minutes from home. Oh, I like okay. To, I don't like to be on the road. Okay, okay. Yeah, yeah, yeah. But are you married? Yeah, I am. The big guy that's walking around, that's my husband. Oh, wow. The guy cooking your food is my son. Oh, is it a family so, restaurant? Yeah. Yeah. So you, it's your restaurant. You, it's my restaurant. Oh, wow. Okay. The young man that was just sitting right there, that's my other son. Oh. They're getting ready to go up and go hunting right now. Okay, wow. Yeah. Wow. Okay, you so you guys are living life. Yeah. Together, right? Yeah. 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 That's good. That's nice. Yeah. So before you both used to drive truck? Or only you? Oh, just you. Okay. Mm-hmm. How did you thought of taking a license? I went to school for it. Like, what came to your mind that I want to drive a truck? I only drove a truck for 7 days. I hated it. Really? Yeah. We love but it I still have my CDL, though. Yeah. Just in case. Yeah, still have a backup. Yeah. That's yeah. nice. Yeah. That's yeah. good. Yeah. Wow. So you guys own it on the very first day or you started work? I don't own this. I'm just the one who runs the restaurant. So your whole family is running it? Okay. Mm-hmm. Oh, okay. I have a lot of other employees. Okay. Mm-hmm. Yeah. Okay. So they get here at 7 and then I do back of the house stuff. Paperwork. And. Yeah. Okay. But that's really nice. Yeah. Yeah. Thank you so much. Absolutely, yeah. Guys. I appreciate you guys. Yeah. And I think your food is ready, so let me go get that for you. Yeah. Okay? Thank you. Thank you. Of course. So, लगता है इस बंदी को देख के कि वो जनरल मैनेजर होगी लाइक जनरल मैनेजर ज्यादातर इवन मैनेजर होते हैं ना हाँ अपना वो पेपर लिया आसपास देखा अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे उस टेबल पे खाना गया कि नहीं गया पर वो खुद आ रही है ऑर्डर लिया हमारा फूड लेके आएगी चार बार कॉफी पूछ के जा चुकी है हर एक चीज उसने हमें दी लाइक दैट वाज रियली गुड थैंक यू Yeah, that's my oldest son. Yeah. Okay. That's my baby son. तो हमारा फूड आ गया है वाओ दिस लुक्स गुड लुक्स गुड बेक्ड लज़ानिया और ये मेरा रहा चिकन फ्राइड चिकन अनियन रिंग्स थैंक यू सो मच एब्सोल्युटली एंड वुड यू लाइक अ लिटिल मोर कॉफी यस प्लीज ओके थैंक यू दिस लुक रियली गुड बाल देखने में लग रहा है समथिंग इज डिफरेंट है ना उसने सही बोला था मशरूम डाल के अच्छा लगेगा दूर से लग रहा है कि कुछ तो बात होगी तो ये पाल जी का चिकन फ्राइड चिकन Yeah. You guys can go online and do a review. Yeah, sure. I would appreciate that. You sure? Sure. Thank you. Kaisa laga? Pata lag raha hai Pal ji ka muh nahi khul raha matlab it's really tasty. crispy. Ah. Chalo theek hai. Mera lasagna to bahut acha hai. Oh my god, too good. तो पाल जी अब निकल चुके हैं डेनिस को बाय बाय कर दो बाय डेनिस निकल कहाँ चुका हूँ मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ इकट्ठे जा रहे हैं निकल चुका हूँ मतलब ट्रक लेके निकल चुके हैं मैं निकला ट्रक लेके या रस्ते पे एक मोड़ आया मैं उठे ट्रक कमा के हाईवे पे चढ़ गया हम भी तो थोड़ा बाकी कोशिश कर लेते हैं फनी होने की लेकिन फनी हुआ नहीं जाता बाकी जब दिन चढ़ेगा तो फिर वीडियो बना लेना अपनी शिफ्ट में अभी मैं सोने जा रही हूँ ओके ओके सो जाओ तो मेरी तरफ से बाय बाय तो अभी ना हम सोल्ट लेक सिटी में से गुजर रहे थे तो सोल्ट लेक सिटी पीछे रह गई है और अभी मैं पहाड़ी चढ़ रहा हूँ और मैं आपको ये पहाड़ियाँ दिखाना चाहता था मतलब बहुत मजा आता है कई कई लोग
करते हैं कि भी क्या है, पहाड़ियों पे ट्रक मरता है, लोड भारी होता है, तो हमें नहीं ये होता कि ठीक है यार अगर ये ही तो नज़ारा है, अगर ट्रकिंग का नज़ारा ही क्या है कि फ्री में आप इतने सुंदर व्यूज देख रहे हो और इतनी अच्छी अच्छी जगहों पे घूम रहे हो, और क्या चाहिए राइट। तो जो मुझे जैसे आपको मालूम है कि पहले हम कस्केडियाँ चलाते थे और अभी हमारे पास पीटरबिल्ट है, तो जो मैंने इन दोनों में फर्क महसूस किया है कि पीटरबिल्ट मरता नहीं है पहाड़ियों में, कि जो कस्केडिया था ना वो तो मर ही जाता था, जैसे उसका तो पता चलता था कि उसका ना पूरा जोर लग रहा है चढ़ने में पहाड़ियाँ, लेकिन इसका महसूस भी नहीं होता। और दूसरी बात इंजन ब्रेक, तो इंजन ब्रेक क्या होती है कि वो ना इंजन को स्लो करती है रेदर देन कि हमें पैर वाली ब्रेक लगानी पड़े, और जैसे अगर पैर वाली ब्रेक ज़्यादा लगा दो तो आपको मालूम है कि टायर गर्म हो जाते हैं और आग भी लग जाती है राइट। ऐसे हुआ भी है, हमारी कंपनी में ही एक ड्राइवर थे तो उन्होंने ऐसे किया, आग लगवा ली थी उन्होंने, ब्रेक ज़्यादा लगा दी उन्होंने, तो वो नए नए थे जैसे। तो ये मस्ट है कि आप ना इंजन ब्रेक को यूज करना सीखें, अगर आप नहीं हैं आपको मालूम हो कि इंजन ब्रेक कैसे लगानी है कैसे नहीं। तो ये एक और टीम जा रही आई थी शान ट्रक का, तो बाय बाय कर रहे हैं वो भी, तो ये जानते हैं मुझे, तो ऐसे अच्छा लगता है जे तो आज उड़ते जा रहे हैं, लगता है इनका लोड हल्का ही है इसीलिए जा रहे हैं, ड्राइव उठाए हुआ है। लेकिन शांत जो शांत ट्रक लाइन था ना, इनके मैंने ज़्यादातर रेफर ही देखे हैं। तो आज हमारे पास वेट है लाइक 73,000 पाउंड समथिंग है, 73,000 पाउंड है हमारे पास आज। तो लेकिन फिर भी ट्रक मर नहीं रहा, फिर भी देखो 90 किलोमीटर पे मैं जा रहा हूँ इस पहाड़ी में, फिर भी मर नहीं रहा ट्रक, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसकी इंजन ब्रेक इतनी जबरदस्त है ना, इतनी जबरदस्त कि जो कस्केडिया था ना वो क्या वो गियर ड्रॉप कर देता था, जब भी हम इंजन ब्रेक लगा देते तो क्या होता था उसकी इंजन ब्रेक मुझे ट्रक को मैनुअल करके फिर लगानी पड़ती थी, लेकिन इस पे मैं ऑटोमेटिक पे ही इंजन ब्रेक लगा देता हूँ और ये सिर्फ एक गियर ड्रॉप करता है और उसके बाद ड्रॉप नहीं करता, तो ये फायदा है। तो अगर आपके पास कस्केडिया है इंजन ब्रेक लगाने से पहले मैनुअल कर लें और आप गियर ड्रॉप करें, अगर आपने मैनुअल नहीं किया और इंजन ब्रेक लगाई तो वो फिर करता है आरपीएम हाई चली जाती है, 2000 के पार चली जाएगी आरपीएम, तो फिर आपको मालूम है मे बी अगर आपके सिस्टम में कोई ऐसा अलार्म हुआ तो कंपनी को रिपोर्ट जाएगी कि इनकी आरपीएम हाई गई। तो कई कंपनियां होती हैं जिन्हें तो बहाना चाहिए कि वो आपका सेफ्टी बोनस काट सकें।